लेकिन हो लेकिन यूजली ऐसी फिलासफीज उन लोगों से आती हैं यूजली इफ़ नॉट ऑलवेज यूजली ऐसे लोगों से आती है जिनका जो शरीर का निचला हिस्सा वो इतना सक्रिय है और उसको रोक भी नहीं पा रहे वो तो कहते चलो ऐसा करते हैं इसको फिलोसफाइज कर देते हैं तो संभोग से समाधि तक नाम की फिलोसफी निकाल देते कि भैया संभोग करके ही समाधि तक पहुँचेंगे स्वागत आपका हमारे इस एपिसोड में जहाँ पे हम इनसाइड द माइंड में कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं जैसा कि आपने पिछली वीडियोस देखी होगी फेस रीडिंग और माइंड रीडिंग के बारे में जहाँ पे सर फेस को अर्धचेतन मन में उनके उतरते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो जहाँ से आप सीख सकते हो किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में कोई भी जो फेमस पर्सन है हम उनके बारे में फ़ेस रीडिंग की वीडियोज़ बनाते हैं उनके बारे में आप क्या सीख सकते हो कैसे सीख सकते हो उनके मन में क्या है समाज में उनकी छवि क्या है तो ये चीज़ें हम सर से जानेंगे मनोविज्ञानिक विश्लेषण साइको एनालिसिस जिसे हम कहते हैं तो आज हम अमोग लीला प्रभु और जो आचार्य प्रशांत जी हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे सोचते हैं समाज में उनकी क्या छवि है जैसे कि आप आमतौर वीडियोस पे देखते हो और उनके मन में क्या है क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा कि इंसान के दो चेहरे होते हैं एक जो अक्सर लोगों को दिखता है और एक जो उसके मन की छवि होती है जो बहुत जिससे बहुत कम लोग परिचित होते हैं लेकिन जैसा सर साइको करेंगे तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पर्सनैलिटी का कौन सा गुण है वो आपको हम दिखाएंगे बताएंगे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ में किसी से कोई द्वेष नहीं है और ना ही हम कि किसी की कोई तुलना करें ये सिर्फ़ एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जिसमें दोनों पर्सनैलिटीज़ को आमने सामने रखना ही पड़ेगा तो अभी हम सर से जानते हैं कुछ प्रश्न सर से पूछते हैं उनकी क्या मनोविज्ञानिक विश्लेषण है क्या राय है तो पहला जो प्रश्न है मेरा सर से वो ये है कि आ, सर पहले तो आपका स्वागत है एपिसोड में और पहला प्रश्न जो मेरा यही होगा कि अमोघ लीला और आचार्य प्रशांत जी दोनों के बारे में आपकी क्या राय है मनोविज्ञानिक विश्लेषण के तौर पे कौन समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद है किसकी अभी क्या छवि है क्योंकि आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सीज भी चलती रहती है सोशल मीडिया पे जी दोनों उन दोनों के अपने अपने मूवमेंट है एक हरे कृष्णा मूवमेंट एक स्परिचुअलिटी को बढ़ावा देते हैं वो आचार्य प्रशांत जी एक नास्तिकता की तरफ एक आस्तिकता की तरफ है, की तरफ है। जी। आप एज अ मनोवैज्ञानिक इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे कि उनके मन में क्या है वो कैसे हैं वो थोड़ा ऑडियंस को बताइए ऐसा आपने पूछा कि अमोग लीला प्रभु हरे कृष्णा मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और आचार्य प्रशांत जी जो समाज में ऐसा कुछ प्रचार कर रहे हैं जिससे युवाओं में एक क्रांति सी आ रही है युवाओं में क्रांति तो आ ही रही है व्यूअर में भी क्रांति आ रही है इन दोनों का समाज में कितना असर है समाज इनकी वजह से किस दिशा में जाएगा इनका क्या असर मानवता पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ये हम इस सीरीज़ में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले मैं व्यूवर को ये बता देना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो में हम बातें बताएंगे साइको अनालसिस करेंगे उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ फेस रीडिंग से संबंधित है उनके निजी जीवन को हर्ट करना उसके ऊपर कोई कटाक्ष करना हमारा उद्देश्य नहीं है हम दोनों का सम्मान करते हैं दोनों ही समाज में अपना अपना कार्य कर रहे हैं मैं सबसे पहले आचार्य प्रशांत जी के बारे में बताना चाहूँगा जैसा आपने पूछा कि वो आस्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और अमोग लीला पर भूषित आस्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं मेरी राय में या मनोवैज्ञानिक की राय में दोनों का आस्तिकता से कोई लेना देना नहीं है आस्तिकता का इनसे कोई भी अरे परे का भी संबंध नहीं है दोनों नास्तिकता कोई बढ़ावा दे रहे हैं आप कहोगे कि अमोग लीला प्रभु तो भाई भगवान पहनते हैं हरे रामा हरे रामा करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं तो ये एक धार्मिकता या इसे कहें कि एक सांप्रदायिकता है आस्तिकता नहीं है आस्तिकता का मतलब जो भारतीय दर्शन में लिया जाता है वो है वेदों में आस्था रखना लेकिन इतना सा ही मतलब नहीं है वेदों में आस्था रखना इससे भी आगे इसका अर्थ जाता है वो है वेदों के अनुसार या वेदांत के अनुसार आचरण भी करना अमोघ लीला प्रभु का या हरे कृष्णा मूवमेंट के जितने भी फॉलोवर हैं उनका वेदों के या वेदांत के अनुसार आचरण से कोई संबंध नहीं है वो तो अपनी ही एक डफली बजा रहे हैं अपना राग लाप रहे हैं तो ये नास्तिकता ही है और दूसरी बात रही आचार्य प्रशांत जी की कि वो लोगों को अवेयर करते हैं समझाते हैं उसमें भी कोई आस्तिकता या नास्तिकता का सवाल नहीं है वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं वो अपना मत रख रहे हैं पढ़े लिखे हैं उनके पास काफ़ी दर्शन शास्त्र का ज्ञान है फिलोसफी उन्होंने पढ़ी है वो अपने तर्क देते हैं ठोस तर्क देते हैं इसका समाज के ऊपर जो असर आ रहा है वो कोई बहुत अच्छा आने वाला नहीं है क्योंकि दोनों के पास जो ऑडियंस इकट्ठी हो रही है वो कटर ऑडियंस हो रही है या मैं यूँ कहूँ कि दोनों के पास भीड़ इकट्ठा हो रही है दोनों के पास बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो रही है ये भीड़ आने वाले दिनों में क्या करेगी वो भी हम जानेंगे अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि अभी दोनों की अलग अलग भीड़ इकट्ठी हो रही है जी। कुछ लोग इधर है कुछ लोग इधर है तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है समाज पे सोसाइटी पे और क्योंकि दोनों के अलग अलग फैन फॉलोइंग भक्त हैं और जाहिर सी बात है कि अगर दोनों के ओपिनियन अलग है तो लोग जो होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं वो टकराव आएगा तो उसका आपके अनुसार मनोविज्ञान के अनुसार समाज पे क्या असर पड़ने वाला उसके बारे में कुछ बताइए आपने बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण सवाल पूछा है दोनों के पास हजारों लाखों की तादाद में भक्त हैं भक्त ना भी कहें यूं कह सकते हैं कि भीड़ है भीड़ के पास अपना दिमाग नहीं होता है भीड़ के पास सिर्फ और सिर्फ भीड़ चाल ही होती है भीड़ को मैं भेड़ चाल भी कहूँगा कि दोनों के पास लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़े हैं और भेड़ें कुछ भी कर सकती हैं उनको एक दिशा दिखाने की ज़रूरत है और वो कुछ भी कर सकती है आज से पहले भी इतिहास में बहुत से धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं फसाद हुए हैं युद्ध हुए हैं वो इसी तरह की भीड़ से हुए हैं बहुत से ऐसे नामी ग्रामी इंसान इतिहास के अंदर भी पैदा हुए हैं जिन्होंने भीड़ का बहुत गलत प्रयोग किया है तो अब दोनों के पास भीड़ है तो आने वाले समय में दोनों अपनी तरफ से बहुत गलत प्रयोग इनका करने वाले हैं इसका एक उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा कि देखिएगा कि कमेंट बॉक्स में आचार्य प्रशांत जी के जो फॉलोवर हैं वो उनको पता नहीं क्या मान रहे हैं भगवान ही रहे मान रहे हैं गोड़ मान रहे हैं कहते हैं उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं वही सुप्रीम है और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि आचार्य प्रशांत जी गोड़ कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं उनको लगता है कि वही सही हैं जो वो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य हैं तो वो भी एक भूल कर रहे हैं ऐसी भूल नारसिस्ट पर्सनैलिटी वाले ज़्यादा करते हैं ऐसी भूल उन्होंने नहीं की है बहुत से विचारकों ने दर्शन शास्त्रियों ने की है तो उसका प्रभाव उनके ऊपर भी गलत आ रहा है और जो उनकी ऑडियंस है उस पर भी गलत आ रहा है उनकी जो भीड़ है भीड़ के पास दिमाग तो है नहीं तो जब भी कोई भी उनके खिलाफ़ कहेगा कोई उनके ऊपर कटाक्ष कसेगा तो वो लड़ने पर उतारू हो जाएंगे मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे तो ऐसी भीड़ बहुत हिंसात्मक हो जाती है घातक होती है समाज के लिए भी और देश के लिए भी क्योंकि भीड़ को आसानी से कोई भी किसी भी दिशा में बदल सकता है और दूसरी बात अगर करें अमोघ लीला प्रभु की तो उनके पास भी लाखों करोड़ों की तादाद में एक ऐसी ही भीड़ है एक ऐसी ही भीड़ों की संख्या है जो उनके लिए लड़ने को उतारू है मरने मारने के लिए उतारू है आप इस कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी देखिएगा कि लोग कुछ हमें गालियां दे रहे होंगे कुछ आचार्य प्रशांत जी को गालियां दे रहे होंगे आचार्य प्रशांत जी की ऑडियंस है वह अब मोगलीला प्रभु की ऑडियंस को गालियां दे रही होंगी उनको गालियां दे रही होंगी हमें गालियां दे रही होंगी कि ये क्या कर रहे हो पहले अपना तो कर लो ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं आएंगे भी इसमें आपका कसूर नहीं है कसूर तो भाई मनोविज्ञान का है क्योंकि आप ना तो अपना मनोविज्ञान समझ पा रहे हैं ना आचार्य जी का ना मोगलीला प्रभु का मनोविज्ञान समझ पा रहे हैं आपको किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी संप्रदाय से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है खुद से जुड़ें खुद से अगर आप रूबरू होते हैं तो सारी शक्तियाँ आपको खुद में मिलेंगी लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंसान आंतरिक रूप से इतना कमज़ोर है उसे एक आसरा चाहिए एक सुरक्षा चाहिए तो जैसे ही वो इन बाबाओं के डेरों पर या इन गुरुओं के डेरों पर जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा महसूस होती है उनका तनाव दूर होता है उन्हें ऐसा लगता है कि हम हैं बहुत सारे लोग हम बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं हम एक बहुत बड़ा ग्रुप हैं तो उनको आंतरिक आंतरिक सुरक्षा फील होती है और ज़्यादातर ऐसा होता है मैं बीच में मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो आचार्य जी बता रहे हैं या अमोघ लीला प्रभु बता रहे हैं उसको छोड़ दिया जाएगा पकड़ा जाएगा जो बता रहा है उसको कुछ लोग अमोग लीला प्रभु को ही सब कुछ मान लेंगे उनकी बातों को छोड़ देंगे या बहुत से लोग आचार्य जी को ही पकड़ लेंगे उनकी शिक्षाओं को छोड़ देंगे तो फिर आचार्य जी के ऊपर कोई भी कटाक्ष कसे, कसे, कसेगा तो सीधा उनके दिल पर लगेगा तो वो उग्र हो जाएंगे और मारने गाली गलोज करने लग जाएंगे हमने इस प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे से दिया है और बड़े ही अगर हम इसको दो शब्दों में समझे सर ने कहा जैसे कि नाजम कि जब भी आपकी एक फैन फॉलोइंग बनती है या आपके साथ भीड़ इकट्ठी होती है लोग इकट्ठे होते हैं तो आपके अंदर ये आ जाता है कि ये अब, अब मैं ही सही हूँ मतलब वो, कि खुद इंसान को एक गॉड की छवि उसके अंदर उतरने लगती है तो ये सर ने अच्छा बताया और उसके बाद सर ने एक चीज़ और कही कि आप जो आदमी के गुण हैं उसको देखिए ना कि उसके पास कितनी भीड़ है या आदमी के ऊपर मत उतरिए कि आदमी पर उस पर विश्वास मत कीजिए जिसको भी आप फॉलो करें तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा सर कि समाज पे या मानसिक स्वास्थ्य पे मेंटल हेल्थ पे हर समाज में जितने भी लोग हैं जो उनको सुनते हैं या नहीं भी सुनते हैं उनके दोनों का अलग अलग लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है उसका आप बताइए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है थोड़ा सा सकारात्मक है लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव असर पड़ रहा है मैं मनोविज्ञानिक हूँ और मनोविज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देख रहा हूँ उनके पास वही लोग जाते हैं जो खुद को अकेला महसूस करते हैं खुद को अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को उदास हताश महसूस करते हैं और जो उनसे जुड़ते हैं उनको सुनते हैं बात हम अमोघ लीला प्रभु की पहले कर लेते हैं जो एस्कोन टेम्पल में जाते हैं वहाँ पर दो घंटे ऐसे छुण चुन छुणा बजा लेते हैं हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा नाच लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज़ हो जाता है इंडोर उनको अच्छा लगने लग जाता है उनको फील गुड महसूस होता है कि सब कुछ ठीक हो गया अरे बढ़िया है और वहां पर गाना बजता रहता है बाकी लोग भी नाच रहे होते हैं तो उनको लगता है कि मजे आ गए बस सब कुछ मिल गया तो वो बार बार जाते रहते हैं तो इससे क्या है कि मानसिक तनाव डिप्रेशन तो हल्का सा कम होता है दूर होता है लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपको प्रोग्राम कर दिया जाता है आपको स्कोन टेम्पल का भक्त बना दिया जाता है और धीरे धीरे आपको जोड़ेंगे फिर आपकी जेब पर हमला करेंगे फिर आपको पूरी तरह से अंदर से लूट लेंगे पहले आपको कृष्ण भक्त बनाएंगे और फिर सुदामा भी बना देंगे अर्थात गरीब भी बना देंगे कि अब लोगों की सेवा करो आपका धर्म है आप इतने पैसे दो ये मेंबरशिप लो ये कोर्स लो ये गीता लो फला लो इस तरह का व्यापार वो आपके साथ करेंगे आप अब प्रोग्राम हो चुके हैं अब आपको लगता है कि इस संस्था के अलावा कुछ और सही है ही नहीं बाकी तो लोग धूड़ में लठ मार रहे हैं बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है जो कुछ पता है इसी संस्था को पता है तो आप अंध भक्ति की तरफ चले जाएंगे आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे ना आपका दिमाग आपका रहेगा अब आपका दिमाग वो लोग कंट्रोल करेंगे जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा वो आपसे करवाएंगे तो आप अगर उनसे जुड़ जाते हैं तो आप फंस जाते हैं ऐसा ही आप अगर आचार्य जी के साथ जुड़ जाएंगे शुरुआत में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे मेरा तनाव दूर हो रहा है मुझे सुरक्षा महसूस हो रही है डोपामिन सेरोटोनिन केमिकल रिलीज हो रहा है मैं बहुत कुछ बन रहा हूँ मेरे अंदर शांति आ रही है लेकिन धीरे धीरे वो संस्था वाले क्योंकि उनकी भी एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे पैसे की मांग करेंगे कि आज गुरु जी का वहाँ कार्यक्रम है वहाँ सेवा पर आओ वहाँ पर ये करो तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे फिर आपको वो लोग कंट्रोल करेंगे जैसे रोबोट को कंट्रोल किया जाता है वैसे ही आपको कंट्रोल किया जाएगा तो ये दोनों ही आपको एक दिन कठपुतली बना लेंगे रोबोट बना देंगे मानसिक स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से गिर जाएगा तो आप इनसे जुड़े मत इनसे कुछ सीखने को मिलता है सीख लें अपने जीवन में अप्लाई करें एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आचार्य प्रशांत के आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या बहुत लोगों को पता भी है क्योंकि कुछ वीडियोस फोटोज वायरल हुए हैं और डांस करते हुए शराब पीते हुए या कुछ धूम्रपान ये चीजें करते हुए तो ये है और इधर जो अमोघ लीला का ऐसा कुछ है नहीं अमोघ लीला प्रभु जो है वो लिव इन रिलेशन और इन सब चीजों को सही नहीं मानते वो कहते हैं कि ये समाज के लिए नुकसानदायक है लेकिन आचार्य प्रशांत का या इसके मामले में कुछ तर्क और है वो इन चीज़ों को एक हद तक सही भी मानते हैं इसके ऊपर आप क्या राय देना चाहिए और हर व्यूवर यही जिज्ञासा रखता है कि इस विषय में बताया जाए लेकिन जो कटर भीड़ है जो आचार्य जी से इमोशनली अटैच हैं या अमोघ लीला प्रभु से अटैच हैं दिली अटैच हैं वो क्या कहेंगे वो यही कहेंगे कि ये जो कर रहे हैं वो लीला है जैसे आचार्य जी क्या करते हैं डांस करते हैं पार्टी में खूब डांस करते हैं शराब भी पी लेते हैं जैसे चार बोतल वोद का काम मेरा रोज का या नशे के सुट्टे लगाते हैं मैंने देखा नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं लेकिन तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती कुछ तो सच्चाई होती है तो वो जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि बातें बताने की ही होती है हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं दिखाने के ओर होते हैं जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनका खुद यूज कितना करते हैं इसके पीछे कोई आपके पास सबूत नहीं है लेकिन अगर आप कटर उनके समर्थक हैं तो आप कहेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं वो लीला कर रहे हैं वो तो चमत्कारी हैं चमत्कार कर रहे हैं क्योंकि इंसान कभी भी अपने आप को तुच्छ समझ के राज़ी नहीं है जो लोग उनको सालों से सुन रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं अब वो कुछ ऐसा कारनामा कर देते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको चोट लगती है ईगो को ठेस पहुंचती है तो वो क्या करते हैं साइकोलॉजिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग वो करते हैं वो डिनाइल कर देते हैं कि आचार्य जी तो ऐसे है ही नहीं ये तो ना किसी की साजिश है लोग ना उनको बदनाम करने पर तुले हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो वो डिनाई कर देंगे मानेंगे नहीं इनकार कर देंगे वो कहेंगे आचार्य जी तो महान हैं क्योंकि उनको लगेगा कि हम बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं जो उनको सुनते हैं उनको फॉलो करते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं इस तरह के तर्क दे करके लेकिन मनोवैज्ञानिक सच्चाई तो यही है कि आप भी मूर्ख बन रहे हैं और वो मूर्ख बना रहे हैं तो मूर्ख मत बनिए आप सच्चे कर्मयोगी बनिए कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें कर्म का ही संदेश दिया है तो हम कर्म करें क्यों किसी के पिछलघु बने जब कर्म का ही फल मिलना है तो उनके पास कौन सा फल मिल जाएगा इधर बात हम अमोघ लीला प्रभु की कर लें वो ये नशा वशा तो नहीं करते हैं सात्विक से बंदे हैं शुद्ध वैष्णो बंदे हैं लेकिन ऐसे बंदों की भी एक बड़ी कमजोरी होती है समाज के लिए ऐसे इंसान भी अच्छे नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि ये सेक्स एजुकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे जो आपसी रिलेशन हैं जो सेक्सुअल ड्राइव है या सेक्स की जो इच्छा है इसके ऊपर इनका घोर विरोध रहेगा बात लिविंग रिलेशनशिप की कर लें तो ये उसके समर्थक होंगे ही नहीं ये तो वेस्टर्न की भई परंपरा है भारत को बर्बाद कर देगी लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक हूँ आगे का मैं बता सकता हूँ आने वाले दिनों में ये शादी की परंपरा है ये बहुत कम हो जाएगी आने वाले दिनों में जमाना लिव इन रिलेशनशिप का ही आएगा शादी बहुत कम रह जाएगी तो अमोघ लीला प्रभु जी जो अस्वीकार कर रहे हैं वो उनकी धर्म अंधता है क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं उसके बाहर को सोच ही, ही नहीं पाते हैं उसके बाहर की दुनिया वो देख ही नहीं पाएंगे और अगर उनको पता चले कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो उसे इनकार कर देंगे और कहेंगे इससे तो मानवता को खतरा है समाज को खतरा है समाज को ना लिविंग रिलेशनशिप से खतरा है ना किसी संबंध से खतरा है समाज हमेशा आगे ही बढ़ता है ऐसे रिश्ते पहले भी बनते थे अभी भी बन रहे हैं आगे भी बनते रहेंगे समाज व्यवस्था है कुछ सौ सालों में ये बदलती रहेगी फिर नया समाज का स्ट्रक्चर आ जाएगा फिर नई तरीके से चीज़ें हो जाएंगी ये तो चलता ही रहना है लेकिन ये जो कटर धार्मिक होते हैं ये स्वीकार नहीं करेंगे ये गलत बताएंगे और आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आप भी इसे गलत मानेंगे अगर आपका बेटा ऐसा करता है आपकी बेटी ऐसा करती है भाई ऐसा करता है बहन ऐसा करती है तो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे घर में झगड़े हो जाएंगे रिश्ते टूट जाएंगे आपकी सोच विकसित नहीं हो पाएगी चेतना विकसित नहीं हो पाएगी आप लकीर के फकीर बन रहे हैं तो ये थी सर के साथ कुछ वार्तालाप हमारी इस विषय के बारे में मोगलीला और आचार्य प्रशांत जी के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उनके बारे में और भी हम पर्सनलिटीज़ को लेके आएंगे तो इस वीडियो में इतना ही बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में